हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है गोरा बच्चा कैसे हो सकता है। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कोई भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में वीडियोस लेके आऊं तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गोरा बच्चा कैसे होता है? हमें हमारी नानी, दादी, मम्मी सब हमें ये इंस्ट्रक्शन देती है कि आप ये खाओ प्रेगनेंसी में तो उससे आपका बच्चा गोरा होगा। केसर खाओ, ग्रेप्स खाओ, ऑरेंज खाओ, दही खाओ, कोकोनट वाटर पियो, ये सारी चीज़ों को खाने से आपके जो बच्चे होंगे वो गोरे होंगे। पर क्या सच में इन चीज़ों को खाने से गोरा बच्चा होता है? बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इन चीज़ों का सेवन करने से बच्चा गोरा होगा। हाँ, पर इन चीज़ों को खाने से आप और आपका बच्चा दोनों ही हेल्दी रह सकते हैं। दोनों को बहुत सारे न्यूट्रिशनल विटामिंस, मिनरल्स मिलेंगे, जो कि प्रेगनेंसी के में आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। पर अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से खा रहे हैं कि आपका बच्चा गोरा होगा, तो प्लीज़ इस मिथ को अपने दिमाग में ना रखें। तो चलिए जानते हैं कि असल में बच्चे का कलर कौन डिसाइड करता है। एक बच्चे का जो लुक होता है, उसका आई कलर, हेयर कलर, बच्चे का स्किन का कलर, ये सब कुछ पेरेंट्स के जीन्स डिसाइड करते हैं। फादर के बॉडी से 50% जीन्स आता है और मदर के बॉडी से 50% जीन्स आता है, और ये दोनों जीन्स मिलकर इनमें से जो भी जीन्स बच्चे पर भारी पड़ता है, यानी कि डोमिनेंट जीन, उसी जीन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे पर उभर के आता है। अगर माँ बाप का कलर डार्क है तो बच्चा डार्क हो सकता है, माँ बाप का कलर फेयर है तो बच्चा फेयर हो सकता है, और अगर माँ बाप का कलर मिक्स्ड कलर है, जो कि इंडियन स्किन टोन है, मतलब नॉट कम्प्लीटली वाइट एंड कम्प्लीटली ब्लैक, मिक्स्ड कलर है, तो आपका बच्चा मिक्स्ड कलर होने के चांसेस हैं। पर एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे पूरी तरह अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते, यानी कि ना ही कम्प्लीटली वो अपनी माँ की तरह दिखते हैं और ना ही कम्प्लीटली अपने फादर की तरह दिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें जो जीन्स हमारे बॉडी में मिलती है वो हमारे पूर्वजों से मिलते हुए आती है, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स से मिली होती है या उनके पहले के वंश से भी मिली होती है। तो ये सब जीन्स जो है एक एक जनरेशन टू जनरेशन हमारे बॉडी पर आती है, तो इन जीन्स का प्रभाव हमारे शरीर पर होता है, जिसके कारण कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि अरे ये तो अपने दादा के जैसे दिखता है, अरे ये तो अपनी दादी के जैसे दिखती है, अरे इसका हाइट तो देखो, इसके तो हाइट चाचा जी के जैसा है, या इसका कलर देखो, इसकी दादी के जैसा है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पूर्वजों से जीन्स जो है हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, जिसके कारण कई बार हम पेरेंट्स की तरह नहीं, हम अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी भी एक इंसान से हमारा लुक रिसेम्बल करता है। तो आपको अगर कोई भी ये कहे कि आप ये पर्टिकुलर फूड मटेरियल खाओ तो आपका बच्चा गोरा होगा, तो उन्हें प्लीज़ ये समझाएं, मैं इसे ज़रूर खा लूँगी क्योंकि ये मेरे और मेरे बच्चे के लिए हेल्दी है, पर मैं इसे इसलिए नहीं खाऊँगी क्योंकि मेरा बच्चा इसे गोरा होगा। मेरा बच्चा गोरा हो या काला हो या जो भी कलर का हो, मैं बस सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा हेल्दी हो, फिट हो और पूरी तरह से हष्टपुष्ट हो। उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं चाहती। आफ्टर ऑल जो भी है वो आपका खुद का बच्चा है, आपको उसे पूरे मन से, पूरी खुशी से एक्सेप्ट करना है। किसी भी मिथ में किसी भी गलत चीज़ों को फॉलो ना करें, जो कि आगे चल के आपके और आपके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि गोरे बच्चे कैसे होते हैं और कोई पर्टिकुलर टाइप के फूड मटेरियल खाने से गोरा बच्चा नहीं होता। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।